देहरादून की डीएम सोनिका ने आम जनमानस को पार्किंग की आ रही दिक्कतों को देखते हुए पल्टन बाजार में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पल्टन बाजार में पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए पुरानी तहसील और कोतवाली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पल्टन बाजार स्थित कोतवाली में बेतरतीब खड़े वर्षों पुराने वाहनों को क्रेन से उठाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को पल्टन बाजार में आने के लिए पार्किंग की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नगर कोतवाली परिसर में पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए अनावश्यक निर्माण के साथ ही पार्किंग व्यवस्था बनाने और वहां बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा है कि पल्टन बाजार देहरादून का मुख्य केंद्र बिंदु है, इसलिए यहां पर वाहनों की आवाजाही होती रहती है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि उन्होंने पुरानी तहसील और कोतवाली का भी भ्रमण किया है। देहरादून से अविनाश की रिपोर्ट। मेनली क्योंकि पल्टन बाजार है ये और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो मैंने पुरानी तहसील भी देखी थी और कोतवाली भी, क्योंकि उधर ही आई थी तो मैं कोतवाली भी देखने आई थी। तो एक तो मेन पार्किंग की व्यवस्था के लिए यहाँ पे भ्रमण किया गया। नहीं, ये कोतवाली तो सिर्फ देखने आए थे, मेन जो पुरानी तहसील है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पार्किंग चल रही है तो उसको और कितना व्यवस्थित किया जा सके कि मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ पार्क भी हो सकें और थोड़ी व्यवस्था भी ठीक हो सके वहाँ पे ट्रैफिक की। तो क्योंकि होली नज़दीक आ रही है तो एक तो हमने मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है और सिचुएशन को देखते हुए, और प्लस क्योंकि मिलावटखोरी की शिकायतें भी आती हैं इस टाइम पर और क्योंकि मिठाइयाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके क्रम में फूड सेफ्टी ऑफिसर को और हमारी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस हैं कि छापेमारी करें जगह जगह, जहाँ भी शिकायत आ रही है वहाँ पर उसका संज्ञान लें। ठीक।